राग भैरव की प्रस्तुति का समय प्रातःकाल है, जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा अर्चना से प्रारंभ होता है। एक प्राचीन ग्रंथकार के अनुसार शिव के पांच मुखों से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाशोन्मुख, भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक और श्री राग उत्पन्न हुए। राग भैरव को प्रथम राग इसलिए भी कहा जाता है कि यह अभ्यास का राग है तथा प्रातः काल में इस राग की साधना एवं अभ्यास से कंठ तथा मन व्यवस्थित होता है। कहे मियाँ तानसेन सुनो हो गुणिजन, प्रथम राग भैरव ही तन मन दय साधिए। राग भैरव का सीधा संबंध भगवान शंकर से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शंकर के श्रीमुख से उत्पन्न पांच रागों में से राग भैरव प्रथम राग है। इस कारण इस राग की प्रकृति भी अत्यंत शांत एवं गंभीर है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, राग भैरव भैरव थाट के अंतर्गत संपूर्ण जाति का राग है, जिसमें ऋषभ व धैवत स्वर कोमल तथा शेष शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। यह प्रातः काल की संधि वेला में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे प्रातः 4 बजे से 7 बजे के बीच प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग भी कहा जाता है। राग भैरव का वादी स्वर धैवत तथा संवादी स्वर ऋषभ मान्य है। आइए अब सुनते हैं भैरव का आरोह अवरोह तथा स्वरूप। Re da re re.